मॉर्निंग ट्रेंड्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक. एक नया टॉपिक आया है, जैसे कि आपको पता होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. पहले भी था ये टॉपिक, मगर अब इस टॉपिक का एक्सटेंडेड वर्जन निकाल दिया गया है. पहले सिर्फ बैंक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता था, कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है. इसके कारण आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा. जी हाँ, मैं आपकी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसके कारण कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है आपको, हम आगे करने जा रहे हैं. अब आप देखते जाइए हमारे, मैं चैनल आपको नई अपडेट्स देता रहेगा, मगर इसे पहले डेट ना निकल जाए आपको ये समझना होगा. और इसके लिए जो भी कॉम्प्लाइंस एचआरई कॉम्प्लाइंस कर रहे हैं वो कर रहे होंगे. चलिए हम आप पे आते हैं अपने टॉपिक पे. हमारा टॉपिक क्या कहता है, हमारा टॉपिक है एक इनकम टैक्स के ऊपर. इनकम टैक्स में एक टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या कहता है, पुराना जो भी आपने पढ़ रखा है भूल जाइए, जो भी आपने समझ रखा है भूल जाइए. आप नए अभी आइए, अभी आपको करना क्या है. मैं पहले कॉरपोरेट एंटिटीज की बात करूंगा, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की और प्राइवेट कंपनीज की. ठीक है सर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम अब. ठीक है, इसका सेक्शन है 285BA स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जिसकी हम बात कर रहे हैं. पहले भी 285BA ही था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब क्या कहता है, कंपनीज के लिए टाइम कम रह गया है इसकी कंप्लाइंस पूरा होने को, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक चेतावनी टाइप देना चाहूँगा कि आपने जो करना है, जो पढ़ना है, देख के फटाफट से कीजिए. प्राइवेट कंपनीज के लिए, पब्लिक कंपनीज के लिए, सभी एनी पर्सन, सभी कंपनीज के लिए, फॉर्म्स के लिए, AOP के लिए, जो भी इस दायरे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनके लिए करना है. अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन पर्सन आ रहा है मैं आपको सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा. कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, AOP फॉर्म, एनी पर्सन जो भी पेमेंट देता है 1,00,000 से ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मोर देन 1,00,000 रुपीज इन कैश, कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन देता है एग्रीगेट ऑफ 1,00,000 रुपीज और मोर, वो इसके दायरे में आता है. कोई भी पर्सन 10,00,000 रुपए से ऊपर, अदर देन जैसे कि अगेंस्ट 1 or more क्रेडिट कार्ड इश्यूज बिल टू एनी पर्सन टू डैट पर्सन, लाइक बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल आया 10,00,000 से ऊपर का कंपनी से, केस में तो हमने कंपनी के अकाउंट से पे कर दिया, उसकी आपने रिपोर्टिंग करवानी है. ये हमने बता दी दो कैटेगरी इन पर्सन के केसेस में. कोई भी पर्सन होगा, एनी पर्सन, उसके केसेस में एनी पर्सन किस में डिफाइन किया गया, डिफाइनेशन सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. आप वो पढ़ लीजिए, एनी पर्सन में कौन कौन से बंदे आते हैं. एनी पर्सन में जो भी बंदा आ रहा है और वो ऐसा ही काम कर रहा है, 1,00,000 से ऊपर की कैश की ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसको ये रिटर्न फाइल करनी होगी, SFT, ये रिटर्न है एक. ठीक है, या फिर कोई भी 10,00,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए, अदर एनी अदर मोड, कैश के अलावा किसी भी मोड में बिल रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 or more क्रेडिट कार्ड इशू टू डेट पर्सन इन फाइनेंशियल, या फिर 44AB के ऑडिट केस में आ रहा है, उसको भी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट रिटर्न फाइल करनी है, चाहे नील की रिटर्न फाइल करनी पड़े सर. ठीक है, या फिर एनी कंपनी जो इशू कर रही है शेयर्स, ठीक है, वो उसको फाइल करनी है, चाहे पूरे साल में इशू करें या नहीं करें. अगर इशू करें हैं तो उनकी ट्रांजेक्शन अमाउंट लिखो, नहीं करोगे तो नील की रिटर्न फाइल कर दो आप. ठीक है, थर्ड पर्सन जो कि कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, अब कंपनी ही लिस्टेड होगी सर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो एनी पर्सन में अब कंपनी का नाम लूंगा मैं. बट लोग कहते हैं एनी पर्सन में कोई ऐसा आता है, तो अब एनी पर्सन में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आएंगी सर, LLP आ सकती है आपकी. सर आप तो मजाक ही कर रहे हैं. जी हाँ, नहीं, MCA 21 में कंपनीज ही आती हैं सर, कंपनीज के साथ में आजकल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी MCA के अंडर आती है, तो उसके केस में भी आप ये एप्लीकेबल होता है
अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, टाइम ना लेते हुए आपका। कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो कि बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, उनको ये रिटर्न फाइल करनी है। अब सर रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्या करना है रिटर्न में, सर उसके लिए फॉर्मेट दिए गए हैं। एक तो आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दिए गए हैं, एक आपकी cleanmoney.gov.in पे दिए हुए हैं। इसके सभी इसके फॉर्मेट्स बाकी मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के नीचे जहाँ वीडियो आपकी चल रही है उसके नीचे आपके लिंक है नोट्स का, आप वहाँ देख सकते हैं सर। बाकी अगर नहीं देख सकते, आपकी मेरी ईमेल आईडी नीचे ही दिखी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं सर। आप मुझे मेल कीजिए, कोई भी इशू आता है मैं आपको मेल रिप्लाई करता हूँ सर, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है। उसके केस में इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के फॉर्मेट 14 फॉर्मेट अभी प्रिस्क्राइब किए हैं, जिस फॉर्मेट में रिटर्न फाइल करनी है अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की। उस फॉर्मेट्स में एक रूल भी है इनके सर, रूल है 114E, रूल नंबर 114E, जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग फाइल करनी है। इसका एक फॉर्म भी इशू किया गया सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स ने, फॉर्म नंबर 61A, उसमें रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करनी है, याद रखिए 31 मई 2017 को, किसकी, 31 मार्च 2017 वैलिड ईयर की ट्रांजेक्शंस की। बाकी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC जो कर रहे थे उनके लिए वो एप्लीकेबल होता है, हम नहीं उनके बारे में अभी बता रहे, हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है उनके बारे में बताएं, बट अभी मैं बात करूंगा कंपनीज के लिए, क्योंकि हमारे मित्र जनों को कंपनीज में प्रॉब्लम आ रही होगी, बैंक्स में तो कोई इशू नहीं आता, बैंक्स में तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड उनका सेंट्रल CB कोर बैंकिंग सिस्टम है, उसमें वो डिसाइड हो जाएगा सर, ठीक है। बट हमारे मित्रगणों को प्रॉब्लम आ रही है उसके केस में हम ये बता रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, SFT 1001 परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट आ गया है इन कैश, कुछ भी होगा वो बैंक से केस में। म्यूचुअल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी आ गया, परचेज और सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी आ गया, कैश पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज आ गया, जो भी मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं उनके केस में। इस उनके केस में आपको SFT, तो सबसे पहले आपको देखना होगा आप एलिजिबल हो SFT के लिए। अगर हो एलिजिबल तो उसके बाद आपको कंपनी की ट्रांजेक्शन देखनी होगी कि ये ट्रांजेक्शन इसके अंडर आ रही है जिसकी हमने रिपोर्टिंग करनी है इन फॉर्म 61A। अगर वो ट्रांजेक्शंस नहीं आ रही सर, तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी है, नील की रिटर्न फाइल करनी है। समझे मेरी बात, कुछ समझ गई सर, नहीं भी समझ आई सर, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अब कहते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए इसकी, फर्स्टली पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसके लिए इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स का लॉगिन करके अपना SFTRA नंबर जनरेट होगा, उसके बेसिस पर रिटर्न आगे फाइल होगी। तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर तीसरे नंबर पर आपकी ट्रांजेक्शन देख लीजिए, फिर फॉर्म भर दीजिए, आप रिटर्न अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो गया। बट ये करना सारा 31 मई से पहले है। चलिए सर, ये होगी सारी बातें आपको समझाने के लिए, बाकी अगली वीडियो में आपको प्रोसीजर सब बता दिए जाएंगे, जो भी आपको इजी हो जाएंगे, इजी लगेंगे आपको ट्रांजैक्शंस रिटर्न फाइल करने के लिए। चलिए, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड।